हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे और मैं अभी कुछ वाव रिवीजन के ऊपर बोलना चाहूँगा। हम वाव रिवीजन कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नियरली 60 मार्क्स का पोर्शन आपका रेडी है एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे मंथ मतलब नियरली 1.5 महीने से जब से मैंने वाव रिवीजन शुरू किया है कि सर प्लीज़ आप फेस टू फेस कुछ बैचेस ले लीजिए वाव रिवीजन की एंड एट द सेम टाइम उसको लाइव स्ट्रीम कीजिएगा सो दैट जो 40 मार्क्स का पोर्शन है अदर लॉज का वो बेसिकली बहुत अच्छे से कवर कर पाए फेस टू फेस में भी और एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम में भी। मैंने इसके ऊपर काफ़ी थॉट दिया। नियरली अभी हम अगस्त मंथ में हैं, नियरली आज की तारीख 3 है और मैं देखता सकता हूँ कि यहाँ से 3 मंथ्स आपके नियरली बाकी है और हमारा अदर लॉज वाव रिविजन का बाकी है जो है नियरली 40 मार्क्स का पोर्शन। मैंने उसके ऊपर काफ़ी थॉट प्रोसेस दिया। आई थॉट दैट कि अभी भी हम 2-3 लेक्चर्स लेके कंप्लीट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नियरली हमने अदर लॉज जो क्रुशियल 40 मार्क्स का पोर्शन है वो अगर हम फेस टू फेस ले तो रादर बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। रीज़न इसके पीछे ये है कि फेस टू फेस में इम्पैक्टफुल रहेगा, लाइव स्ट्रीम में इम्पैक्टफुल रहेगा और हम इसके लिए ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे जैसे हम डेली समय अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एक संडे पकड़ेंगे, कोई भी संडे, और उस संडे को हम एक दिन के अंदर पूरे 40 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे जो, और ये हम नियरली करना चाहेंगे अगस्त मंथ के एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में। इसके पीछे रीज़न है कि आप इसको एटलीस्ट रिटेन कर पाओ, कि जो भी रिविजन हो रहा है उसको रिटेन कर पाओ। कंपनीज एक्ट के सिचुएशन में ये है कि कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा लॉजिकल है तो हमने लॉजिकल बेसिस पे इसको रिवाइज कर लिया है, पर जो अदर लॉ है अदर लॉ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें रटने की जरूरत पड़ेगी, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रटना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैक्सिमम चीज़ें रटनी पड़ेगी। मतलब कंसेप्चुअली तो हमने 100% समझी है पर आपको रटनी भी पड़ेगी। हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफी कंसेप्चुअल है बट बेसिकली जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसे टॉपिक है जो रटने पड़ेंगे और इसका रिटेंशन लेवल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आई एम इन द मूड, कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अगस्त के एंड में नियरली एक संडा संडे पकड़ के पूरा 40 मार्क्स का पोर्शन कवर कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 4-5 घंटे मुझे ऐसा लगता है, 5 या 6 घंटे मैक्सिमम लगेंगे एंड फेस टू फेस में और लाइव स्ट्रीम में इस बैच को लेना चाहिए, जिससे हो ये सकता है कि भाई साहब आपका 40 मार्क्स का पोर्शन एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले पूरा रेडी रहेगा अच्छे से। एनी वे 60 मार्क्स का पोर्शन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं, डिटेल में कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्या लगता है मुझे एक बार मेंशन कीजिएगा। अभी भी मैं फ्री हूँ, अभी भी और रिविजन ले सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी रादर बेटर कि एक साथ ही बैठ के पूरा 40 मार्क्स का पोर्शन प्रॉपरली किया जाए। एनी वेज वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगा, फेस टू फेस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम रहेगा और बाद में भी आप 1.5-2 महीने में इसको देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। ये मुझे जेन्यूनली लगता है। उल्टा मैं अभी अगर रिविजन लेक्चर्स ले लूँ तो मेरे लिए काफ़ी ईजी चीज़ रह जाएगी वो कि हाँ 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूँ, बट इट्स रादर बेटर कि आप एक बेटर कॉल लो आपके रिविजन के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ग्रुप 2 में उलझे हुए हैं, वो रिविजन ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके क्वेरीज आ रहे हैं सर एक तो फेस टू फेस लो एंड एट द सेम टाइम सर प्लीज़ अगर हो सके तो इसको ग्रुप 2 एंड होने के बाद लो, क्योंकि 40 मार्क्स का क्रुशियल पोर्शन है, 4 टॉपिक है और सर हम इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बस इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगस्त एंड में और सितंबर फर्स्ट वीक में लूँ। ठीक है, सो आई होप सो दिस विल बी बेटर फॉर यू एंड ऑब्वियसली ये होगा। अब 60 मार्क्स रिवाइज किया तो 40 मार्क्स में किस बात का डर, और एक ही दिन देना है तो हम एक दिन में संडे को इसको कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ गो विथ योर एग्जिस्टिंग शेड्यूल और हम संडेज को इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे एक संडे पकड़ के, जिस दिन हम पूरा का पूरा अदर लॉज रिवाइज करेंगे, विच विल बी रादर बेटर ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो, बट बेटा ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स का सोचना पड़ता है। मैं अभी भी रिकॉर्डिंग रूम में ही खड़ा हूँ, सभी क्वेरीज को एंटरटेन करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अभी हमारा समय होता है 7 बजे लाइव स्ट्रीम का, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं हमने वाव रिविजन एक प्रॉपर समय पे लेना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर अदर सो उस हिसाब से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार कैसे सबका सेकंड ग्रुप हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो 40 मार्क्स का क्रुशियल पोर्शन आपके काम में आएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।